रिम्स शासी परिषद की 41वीं बैठक 21 नवंबर 2015 को हुई थी, जिसमें लिए गए 6 साल पुराने निर्णय को आधार बनाते हुए रिम्स निदेशक ने रिम्स में संचालित दवाई दोस्त को बंद करने का आदेश दिया है। रिम्स निदेशक ने 1 महीने में दुकान खाली करने का निर्देश दिया है, जबकि खुद रिम्स प्रबंधन ने 2020 में दवाई दोस्त दुकान के विस्तार करने का आदेश दिया था। ऐसे में अब सवाल उठता है कि बिना किसी वैकल्पिक व्यवस्था के सस्ती दर पर मरीजों को दवाई उपलब्ध कराने वाले इस दुकान को आखिर क्यों बंद किया जा रहा है। वहीं इस मामले पर रिम्स के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर विवेक कश्यप का कहना है कि अब खुली निविदा के तहत रिम्स परिसर में दवा दुकान के लिए टेंडर किया जाएगा। 1 महीने में नई व्यवस्था करते हुए मरीजों को जेनरिक दवा की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। मरीजों को सफर नहीं करने दिया जाएगा। 1 महीने का नोटिस दिया गया है। 1 महीने में हम लोग जनऔषधि के लिए भी टेंडर निकाल दिए हैं। जनऔषधि के टेंडर के अगेंस्ट जो लोग आएंगे, फिर उनको उनमें से जिनका लोएस्ट और बढ़िया पाया जाएगा उनको हम लोग लेंगे। जब वो पूरी व्यवस्था मुकम्मल हो जाएगी उसके बाद ही इनको हटाने की प्रक्रिया की जाएगी। वहीं प्रेमसन सेन बारोलिया ट्रस्ट के राज बारोलिया ने कहा कि हर रोज रिम्स में संचालित दवाई दोस्त दवा की दुकान से 700 से 800 मरीज दवा खरीद कर ले जाते हैं। हमारे ट्रस्ट ने खरीद दाम पर दवा बेचकर मरीजों को राहत देने का काम किया है। लेकिन जब 2020 में हमको ये जगह दी गई थी तो हम तो यही समझेंगे ना कि भाई वो मेरी सर्विस से खुश थे। आज तक किसी ने आके ये नहीं बताया कि आप ये गलत कर रहे हो। तो जन औषधि के आइडिया पर ही बेस्ड है। अंतर इतना ही है कि यहाँ पर दवाइयाँ मिलती हैं। जब मैं इंडिया में रहता हूँ मेरी खुद की दवाई यहाँ से आती है ना। और जो लाइन में लोग लगे हैं घंटे घंटे पर, आप इनसे पूछ लीजिए कि दवाई में क्या क्या अंतर है। खाली लिस्ट से मरीज नहीं ठीक होते, मरीज दवाइयाँ से ठीक होते हैं। एक दिन में 700-800 लोगों को दवाइयाँ मिलती है। मैं जनऔषधि का बहुत बड़ा फैन हूँ। आइडिया बहुत तगड़ा है, लेकिन जन औषधि के 5,500 स्टोर्स हैं पूरे इंडिया में। वो 1-2 चलते भी हैं, लेकिन उनकी एवरेज सेल 5,500 स्टोर्स की एवरेज सेल 1,200 रुपये रोज की है। 1,200 रुपये यहाँ रोज 80-90 हज़ार की सेल होती है, जो कि मेरे कॉस्ट प्राइस में बिकती है। यहाँ 17 स्टाफ काम करते हैं। ये रांची की एकमात्र दुकान है जो 24 घंटे खुली है, 364 दिन खुली है। दवाई दोस्त के होने से मरीजों को किस हद तक फायदा मिलता है, इसका अंदाजा आप इस मरीज की बात को सुनकर आसानी से लगा सकते हैं। दवा यहाँ बहुत दिन से आ करके हमेशा ले रहे हैं, तो 1400 का दवा, 1440 का दवा 270 रुपया में लिए हैं। और बहुत सा कोई आदमी से पूछते हैं कि सर सस्ता दवा लिख दीजिएगा, तो बोलते हैं नहीं वो सब दवा उतना ये नहीं करता। लेकिन वो विश्वास में नहीं, कहे 1400 का दवा 270 में लिए हैं और 50 रुपया का सैनिटाइजर 20 रुपया में लिए हैं। तो यही है कि बहुत अच्छा रांची का। जाहिर है कि गरीब मरीजों के लिए दवाई दोस्त एक वरदान की तरह है। ऐसे में रिम्स प्रबंधन का ये आदेश आखिर 6 साल के बाद क्यों जारी किया गया। रांची से लाइव लगातार के लिए सौरभ शुक्ला की रिपोर्ट। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।